आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल एनिमल्स और नेचर जोन में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? जब से दुनिया बनी है तब से वायरस मौजूद हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो शायद इंसानों की उत्पत्ति से पहले के हैं। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के अनुसार धरती पर वैज्ञानिकों ने करीब 6 लाख ऐसे वायरस खोजे हैं जो जानवरों से इंसानों में प्रवेश कर सकते हैं। इंसान लगातार इन वायरसों के हमलों से जूझता आया है, लेकिन आंखों से न दिखने वाले इस दुश्मन के आगे इंसान हमेशा झुका है। आइए हम आपको बताते हैं धरती पर रह रहे इंसानों पर हमला करने वाले सबसे खतरनाक 12 वायरसों के बारे में। नंबर 1, मार्बर्ग वायरस को 1967 में खोजा गया था। इसके बारे में तब पता चला था जब जर्मनी की एक प्रयोगशाला में यह लीक हो गया और वहां के कुछ लोग बीमार हो गए। यह वायरस बंदरों से इंसानों में आया था। इसकी वजह से इंसानों में तेज बुखार आता है, शरीर के अंदर अंगों से खून बाहर निकलने लगता है, इससे कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, इंसान मर जाता है। इसकी वजह से बीमार लोगों में से 80% की मौत हो जाती है। नंबर 2, इबोला वायरस के बारे में सबसे पहले 1976 में तब पता चला जब कांगो और सूडान में कुछ लोग इससे मारे गए। यह वायरस भी जानवरों से इंसानों में आया था। इससे बीमार हुए लोगों में से 50-70% लोगों की मौत हो जाती है। 2014 में अफ्रीका में यह बेहद भयानक स्तर पर फैला था। यह आज भी लोगों पर हमला करता रहता है। नंबर 3, रेबीज पालतू जानवरों से होता है, सामान्य तौर पर कुत्तों के काटने से। इसके बारे में 1920 में पता चला था। विकसित देशों में तो अब इसके मामले सामने नहीं आते हैं, लेकिन भारत और अफ्रीका के देशों में यह वायरस अक्सर लोगों की जान ले लेता है। अगर आप सही समय पर सही इलाज नहीं पाते तो यह वायरस 100% लोगों की जान ले लेता है। नंबर 4, एचआईवी आधुनिक दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। इसके संक्रमण के बाद आज तक कोई बच नहीं सका। इसकी वजह से बीमार हुए लोगों में से 95% लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में 1980 से लेकर अब तक 3.20 करोड़ लोग एचआईवी की वजह से मारे जा चुके हैं। मानव इतिहास में इससे ज्यादा जाने किसी वायरस ने नहीं ली हैं। नंबर 5, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान कर रही है। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे खत्म करने की मुहिम चलाई, लेकिन आज भी अगर यह 3 लोगों को संक्रमित करता है तो उसमें से एक की मौत पक्की है। 20वीं सदी में स्मॉल पॉक्स की वजह से 30 करोड़ लोगों की जान गई। नंबर 6, हंट वायरस पर दुनिया का ध्यान सबसे पहले तब गया जब 1993 में अमेरिका में एक युवक और उसकी मंगेतर संक्रमित होने के कुछ ही दिनों के अंदर मर गए। कुछ ही महीनों में अमेरिका के 600 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए और इसमें 36% मारे गए। ये बीमारी चूहे से फैलती है। कोरियाई युद्ध के दौरान हंटा वायरस की वजह से 3000 सैनिक बीमार हुए थे, इनमें से 12% मारे गए थे। नंबर 7, इन्फ्लुएंजा की वजह से दुनिया में हर साल करीब 5 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है जो महामारी बन जाता है, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू। इसकी वजह से दुनिया की 40% आबादी बीमार हो गई थी। करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अगर इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है तो यह ज्यादा तबाही मचा देगा। नंबर 8, डेंगू ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। इसके बारे में 1950 में पहली तब पता चला जब फिलीपींस और थाईलैंड में यह फैला। अभी दुनिया की 40% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जो डेंगू की पहुंच में है।
इसकी वजह से हर साल 50 लाख से 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं। यह आगे बढ़कर इबोला हेमोरेजिक फीवर में बदल सकता है। अगर सही समय पर सही इलाज न मिले तो मौत तय है। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में से 20% मारे जाते हैं। नंबर 9, रोटावायरस बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से बच्चों को डायरिया और निमोनिया हो जाता है। यह वायरस शरीर में अंदर मुंह से या गुदा द्वार से अंदर चला जाता है। विकसित देशों में तो नहीं, लेकिन विकासशील देशों में इस वायरस की वजह से हजारों बच्चे मारे जाते हैं। WHO की माने तो इसकी वजह से हर साल करीब 4 लाख बच्चे मारे जाते हैं। बाजार में इसकी 2 वैक्सीन मौजूद हैं। नंबर 10, SARS 2003-03 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत से सामने आया। यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया है। SARS की वजह से 26 देशों के 8,000 लोग 2 साल में बीमार हुए थे। इनमें से 770 लोगों की मौत हुई थी। यह कोरोना वायरस का पूर्वज है। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में 9.6% लोग मारे जाते हैं। यह बढ़ भी सकता है अगर इलाज न हो तो। नंबर 11, MERS सबसे पहले सऊदी अरब में 2012 में फैला। इसके बाद 2015 में दक्षिण कोरिया में। यह भी SARS और कोरोना वायरस COVID-19 के परिवार का ही वायरस है। यह ऊंट के जरिए इंसानों में आया था। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही होते हैं। इससे निमोनिया हो जाता है और कुल बीमार लोगों में से 30-40% लोग मारे जाते हैं। नंबर 12, SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस यानी COVID-19 के बारे में पिछले साल दिसंबर में पता चला। यह चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैला। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में से अब तक करीब 5% लोग मारे जा चुके हैं। यह लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित 12 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 14 करोड़ से ऊपर हो गई है। इस वायरस से अब तक 30 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe, like and share to my channel. Take care, friends.